6.5। इसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया था, क्वेश्चन के फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमने क्या करा, कर लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड, देखो क्वेश्चन सेकंड कह रहे हैं कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू का मॉड माइनस वन, एक्स प्लस टू का मॉड माइनस वन, ठीक है। कह रहे कि इसका यदि कोई उच्चतम मान है तो वो भी निकालो, या निम्नतम मान है तो निम्नतम मान निकालो, ठीक। अच्छा देखो इसमें यहाँ पे जो x है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो एफ एक्स में जो x प्लस टू दे रखा है ये किसके अंदर दे रखा है, मॉड के अंदर दे रखा है। तो x प्लस टू जब मॉड के अंदर दे रखा है तो x प्लस टू का जो मॉड है इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो x प्लस टू का जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। देखो वी नो डेट x प्लस टू का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। दोनों पक्षों में माइनस वन जोड़ दो तो यह जाएगा कि x प्लस टू का मॉड माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो माइनस वन, तो x प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन, ठीक। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x प्लस टू माइनस वन का जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस वन से बड़ा या माइनस वन के बराबर होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, माइनस वन है, आई बात समझ में, ठीक। इस स्टेटमेंट का मतलब है, फिर बताता हूँ, x प्लस टू माइनस वन ये तो प्लस का है माइनस वन, तो इस पूरे का जो वैल्यू है या तो वो माइनस वन से बड़ा होगा या माइनस वन के बराबर होगा, माइनस वन से छोटा नहीं होगा। तो माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या जाएगा, माइनस वन, किस पर, जब x प्लस टू बराबर क्या जाएगा जीरो और x बराबर जाएगा माइनस दो, मतलब x बराबर माइनस दो पे जो एफ एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस दो आएगा, और सॉरी माइनस एक आएगा, और ये माइनस एक है ये इसका सबसे न्यूनतम मान होगा, क्लियर है, सिंपल है, इतना ही करना है बस, हैं। माइनस वन दोनों साइड में हमने क्या करा, ऐड कर दिया, माइनस वन इसमें से भी माइनस वन घटा दिया, इसमें से भी माइनस वन घटा दिया, हैं। ये चाहिए ना, देखना क्या है, एक्स प्लस टू माइनस वन चाहिए ना, इसलिए हमने माइनस वन को क्या करा यहाँ पे, घटाया है, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है ये देखना, क्या रखा हमने, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस टू बराबर क्या होना चाहिए, जीरो बराबर भी तो है ना, तो एक्स बराबर एक्स प्लस टू बराबर जीरो रख देंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस दो, मतलब एक्स बराबर माइनस दो पर, एक्स बराबर माइनस दो पर जो एफ एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, अरे बस समझे। अगर इसको ग्राफिकली अगर देखोगे ना, ग्राफ अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में, ठीक ना, माइनस दो पे इसका वैल्यू माइनस वन है, माइनस दो पे इसका वैल्यू माइनस वन है, ये आएगा पॉइंट, तो एक रेखा ऐसे आएगा और एक रेखा ऐसे जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन एफ एक्स को देखो, जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है एक्स प्लस टू का मॉड माइनस वन, इसको दो टर्म्स में लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस वन, और लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस
माइनस एक्स माइनस थ्री, माइनस एक्स माइनस थ्री, तो दो इक्वेशंस बनेंगे, दो रेखाएं बनेंगे, एक रेखा ऐसे आएगा, एक रेखा ऐसे जाएगा। तो इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये आ जाएगा माइनस दो कॉमा एक, तो माइनस दो पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा इसका, माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन, इससे नीचे ये जा ही नहीं सकता। अरे वो समझ में, ठीक। देखो इसका सेकंड पार्ट, देखो इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन दे रखा है जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन कम आउट प्लस थ्री, एक्स प्लस वन कम आउट प्लस थ्री। अब देखो नाउ, देखो एक्स प्लस वन का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन माइनस एक्स प्लस वन का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल जीरो होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव ले ले रहे साथ में, तो वैल्यू क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो उसका मान जीरो से छोटा होगा। अरे भाई समझे, अब प्लस तीन है, तीन क्या करो, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में तीन जोड़ दो, तो x प्लस वन का मॉड प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल क्या जाएगा, थ्री। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब अगर देखोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस एक्स प्लस वन का मॉड प्लस थ्री इस लेस देन इक्वल थ्री, मतलब तीन से, तीन के बराबर या तीन से छोटा है, तीन से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो तीन है वो इस जी एक्स फंक्शन का एक अधिकतम मान है। क्या मान है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो जा ही नहीं रहा, नीचे कुछ भी हो सकता है, निम्नतम मान का कोई पता नहीं है, लेकिन उच्चतम जो मान है वो कितना हो सकता है इसका, थ्री हो सकता है। अरे वो समझे, ठीक है ना, कब थ्री होगा, जब x प्लस वन बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, जब x प्लस वन क्या जाएगा, जीरो, तो यहाँ से जाएगा x बराबर माइनस वन, तो लिखेंगे x बराबर माइनस वन पर जी एक्स का उच्चतम मान कितना, थ्री, कितना जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इसमें, फिर बाकी खुद करना। देखो इसमें थर्ड पार्ट है, क्या है, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स जो दे रखा है ये दे रखा है लेस देन पाई बाई टू, और एक्स सॉरी ये ग्रेटर देन ज़ीरो, जीरो से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा एक्स का मान, ये इसका इंटरवल दे रखा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एच एक्स जो है इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो, तो क्या हो सकता है इसका उच्चतम और निम्नतम मान, हाँ हैं, क्या हो सकता है, देखो देखो एट जब x बिलोंग कर रहा है पाई बाय टू से छोटा और ज़ीरो से बड़ा, तो साइन x क्या हो सकता है, तो देखो साइन x का मान क्या होगा, लेस देन वन एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, व cos x क्या हो जाएगा, cos x का मान होगा लेस देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन वन। दोनों क्वेश्चनों को अगर ऐड कर दोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन वन एंड ग्रेटर देन वन, जोड़ोगे ना दोनों को, तो ज़ीरो प्लस वन 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 और ज़ीरो क्या जाएगा वन। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान वन से छोटा भी है और वन से बड़ा भी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका मान वन से छोटा भी हो और वन से बड़ा भी हो, क्या हुआ, क्या कह रहा है, तीसरे का तीसरा कह रहा है, अच्छा तीसरे में चला गया, चल कोई नहीं,
देखो दूसरे का तीसरा, देख दूसरे का तीसरा है, बात नहीं देखो, एच एक्स बराबर है ये साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5। देखो इसमें यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे नो, देखो साइन 2x जो है, साइन 2x जो है इसका सबसे उच्चतम मान क्या हो सकता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर तुमने देखा होगा या पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन का सबसे अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, कहते हैं 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 से लेस होगा या 1 के बराबर होगा, सही तो है, किसका वाला गया, चलाने दे वीडियो रिकॉर्डिंग चली रहा है। देख यहाँ पे साइन 2x जो है इसका मान क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर, और इसका जो मान होगा वो माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा या माइनस 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि साइन में अगर देखोगे टेबल में तो ये माइनस 1 से 1 के बीच में वेरी करता है वैल्यू, ठीक है। अच्छा कितना है इसमें प्लस 5 है, 5 दोनों पक्षों में क्या करो ऐड, तो 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 1 प्लस 5, तो हो जाएगा 4 लेस देन ग्रेटर लेस देन इक्वल साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन 2x प्लस 5 का जो वैल्यू है, साइन 2x प्लस 5 का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो इसका उच्चतम मान कितना है 6 और निम्नतम मान कितना है 4, ठीक ना, किस पर एट साइन 2x इक्वल टू क्या पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2, किस पे प्लस माइनस पाई बाय 2 नहीं सॉरी किस पे प्लस माइनस 1, तो साइन 2x इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस साइन पाई बाय 2, तो 2x इक्वल टू क्या जाएगा ये पाई बाय 2, तो x इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 4, मतलब एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 पर साइन 2x या लिखो यहाँ पे hx, hx का निम्नतम मान, hx का निम्नतम मान कितना जाएगा 4, और एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पर एच एक्स का उच्चतम मान कितना जाएगा 6। क्लियर है, हमने ये वाला कंडीशन लिया ना कि साइन 2x का वैल्यू 1 से छोटा है और माइनस 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया साइन 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 किसका वैल्यू होगा प्लस माइनस साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर क्या जाएगा ये प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस पाई बाय 2 और x बराबर क्या जाएगा पाई बाय 4, मतलब जब माइनस का लेंगे x का वैल्यू क्या लेंगे माइनस पाई बाय 4 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा निम्नतम आएगा 4 आएगा, जब x का वैल्यू प्लस पाई बाय 4 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा अधिकतम होगा 6 होगा, ठीक है ना, तो इसका उच्चतम मान हो गया 6 और निम्नतम मान हो गया 4। क्लियर है, नोट करो, यह है तुम्हारा एच एक्स इक्वल टू है x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे x दे रखा है माइनस 1 से 1, माइनस 1 से 1, तो होगा क्या कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ये कैसे ब्रैकेट है ओपन, क्लोज होता तो इक्वल का साइन आ जाता, ठीक, अब 1 ऐड कर दो यहाँ पे x प्लस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 2 सॉरी 1, ठीक, देखो यहाँ पे x प्लस 1 का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मतलब किसी के बराबर नहीं है, ना 0 के बराबर है ना 2 के बराबर है, इसका वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, 2 और के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ है,
ठीक है, इसीलिए इसका ना तो कोई उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान होगा। तो नीचे लिख देना था x जब बिलोंग करेगा माइनस वन से वन पर एच एक्स का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान है। ये वाला फिर से बता दूं, देख इसमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है एच एक्स इज़ टू, याद रखा है एक्स प्लस वन दे रखा है, यहाँ पे एक्स का इंटरवल दे रखा है माइनस वन से वन, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस वन से बड़ा होगा और प्लस वन से छोटा होगा। यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर क्लोज इंटरवल दे रखा होता तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, बराबर का साइन लगा लेते हैं। ठीक ना, अब एक्स प्लस वन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे वन ऐड कर दो पूरे इक्वेशंस में, तो ये जाएगा वन प्लस वन, सॉरी माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, वन प्लस वन कितना जाएगा टू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वन का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और दो से छोटा है। जीरो नहीं है ना, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे ना, जीरो को कब इंक्लूड कर दे, अगर ये कंडीशन आता एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अगर ये वाला कंडीशन आता क्या देगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू दो के बराबर, एक्स प्लस वन का वैल्यू दो के बराबर है, तो यहाँ पे ये निम्नतम होता और ये उच्चतम होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में लटका हुआ है और बीच में लटका हुआ होगा तो कोई मान पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका कोई उच्चतम मान नहीं होगा ना ही कोई निम्नतम मान होगा। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो कॉमा ज्ञात की भी ज्ञात कीजिए। देखो फर्स्ट दे रखे हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड से यूज़ करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स, फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना जाएगा दो, ठीक, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ डबल डैश एक्स बराबर दो, इसका मतलब क्या है कि एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है, एक्स बराबर जीरो पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशियल मेथड यूज़ कर लो, सबसे सिंपल मेथड है, ठीक, तो इसमें जब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो होता है सॉरी पॉजिटिव होता है तो फंक्शन का मान उच्चतम होता है निम्नतम होता है निम्नतम होता है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा x बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा एफ जीरो बराबर जीरो, एफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो, इसमें क्या करेंगे x की जगह जीरो पुटिंग कर देंगे, क्लियर है। देखो इसका सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन में दे रखा है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, जी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, देख सोनू बातें नहीं, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुटिंग
एफ डैश सॉरी जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो क्या जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा वन, और एक्स बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, एक्स के दो मान आ गए, ठीक ना। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाले फंक्शन का, इसका डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा सिक्स एक्स थ्री का ज़ीरो, क्लियर है। अच्छा अब चेक करो किस पे, एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स के दो मान है ना, एक प्लस है एक माइनस है, जब एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा तो जी डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सिक्स आएगा, मतलब जी डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा x इक्वल टू वन पर जी एक्स का मान मिनिमम है, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा जी वन निकाल दो, देखो क्या है ये है ना वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का दो, क्लियर है। अच्छा x बराबर माइनस वन पे चेक करो, x बराबर माइनस वन पे चेक करो, तो x बराबर माइनस वन पे चेक करोगे तो क्या आएगा एट x इक्वल टू माइनस वन जी डबल डैश x सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का छः, तो जी डबल डैश x का वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव, जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो एट x इक्वल टू माइनस वन जी एक्स का मान क्या होगा उच्चतम होगा, उच्चतम मान क्या जाएगा जी माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस का वन, तो माइनस का वन प्लस का थ्री इक्वल टू प्लस का दो, देखो ये माइनस का दो आ रहा है और ये प्लस का दो आ रहे, ठीक ना, तो ये निम्नतम मान हो जाएगा, ये इसका उच्चतम मान हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। थर्ड, थर्ड का थर्ड पार्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक ना, डिफरेंशिएट करो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एच डैश एक्स इक्वल टू जाएगा साइन का क्या जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पुटिंग एच डैश एक्स बराबर जीरो, तो साइन एक्स माइनस सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो, तो साइन एक्स बराबर क्या जाएगा कॉस एक्स, साइन बटे कॉस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या जाएगा वन, कॉस एक्स को दलिया है साइन बटे कॉस क्या जाएगा टेन, टेन एक्स बराबर वन, तो एक्स बराबर क्या जाएगा पाई बाय फोर, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है टेन पैंतालीस का मान पाई बाय फोर होता है, हाँ ठीक होता है, एक्स का मान कितना जाएगा पाई बाय फोर, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, तो एच डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉस का क्या जाएगा माइनस का साइन, साइन का क्या जाएगा कॉस एक्स, ठीक है क्लियर है। एच एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, एच डबल डैश एक्स का वैल्यू माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर, माइनस एक बटे रूट दो माइनस एक बटे रूट दो माइनस का दो बटे रूट दो, तो माइनस का रूट दो, दो रूट दो से दो का काटोगे कितना आएगा रूट दो आएगा, ठीक, किसका वैल्यू आ रहा है माइनस आ रहा है, कह रहे हैं माइनस, मतलब एक्स इज गोज टू पाई बाय फोर पर
एच डबल डैश एक्स का मान उच्चतम होगा, और उच्चतम मान क्या हो जाएगा इसका, एच एक्स या एच पाई बाय फोर का वैल्यू माइनस का रूट दो, क्या जाएगा माइनस का रूट दो। देखो इसका, देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्लस था इसमें माइनस है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट में, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन, नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन। देखो डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का बारह एक्स प्लस का नौ, ठीक है। देखो क्या आएगा, पुटिंग सोनू बातें नहीं, एफ डैश एक्स बराबर जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस नौ बराबर जीरो। देखो इक्वेशन तीन से डिवाइड हो रहा है, तीन से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन बराबर ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस एक्स प्लस तीन बराबर ज़ीरो। तुम्हें पता है किस तरीके से करना है, तीन कैसे गुणन करने, जोड़ने घटाने पर चार है और गुणा करने पर तीन है, तीन एक कम तीन, तीन और एक चार। तो x कॉमन आएगा तो x माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन आएगा तो x माइनस थ्री बराबर ज़ीरो, तो x माइनस थ्री और x माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो x बराबर तीन और x बराबर दो सॉरी एक, यहाँ से कितना आएगा तीन, यहाँ से कितना आएगा एक आएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x बराबर देखो ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस का ट्वेल्व, इसका हो जाएगा सिक्स एक्स, ट्वेल्व एक्स का हो जाएगा ट्वेल्व, क्लियर है, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल टू थ्री, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा देखो सिक्स इंटू थ्री माइनस का बारह बराबर कितना आएगा छः अट्ठारह माइनस बारह छः आएगा, प्लस का है कैसा है प्लस है, तो एक्स बराबर तीन पर वैल्यू क्या होगा उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज तुम लिखना, ठीक ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आठ एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू सिक्स सॉरी मिनिमम नहीं है इसमें, नहीं ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, कह रहे पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स बराबर तीन पर इसका वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा इसका, मिनिमम वैल्यू एफ थ्री, एफ थ्री कितना जाएगा तीन की घात तीन माइनस सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू थ्री प्लस का फिफ्टीन। निकालोगे उसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना इसको, एट एट एक्स इक्वल टू वन, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू सिक्स इंटू वन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस का छः। देखे सर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स बराबर वन पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका एफ वन बराबर वन की पावर थ्री माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस नाइन इंटू वन प्लस फिफ्टीन। इसको सॉल्व कर लेना न्यूनतम माना जाएगा, क्लियर है। हाँ बता,